दिल्ली के आबकारी नीति घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ा खुलासा किया है। ईडी ने खुलासे में कहा, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कथित तौर पर अलग अलग तरीकों से 622.67 करोड़ रुपए अर्जित किए थे। ईडी के सूत्रों ने कहा कि POC क्रेडिट नोट हवाला चैनल और डायरेक्ट किकबैक के जरिए जनरेट किया गया था। चार्जशीट में इस आरोप का जिक्र किया गया है। सूत्रों ने कहा, साउथ ग्रुप ने विजय नायर को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। इंडो स्पिरिट से सिसोदिया और नायर की मदद से L1 लाइसेंस हासिल किया। इसने 192.8 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। सरत रेड्डी, ट्राइडेंट चैम्फर, अवंतिका कॉन्ट्रैक्टर्स और आर्गोनोमिक्स इकोसिस्टम द्वारा नियंत्रित 3 संस्थानों का इंडो स्पिरिट्स के लिए बकाया भुगतान 60 करोड़ रुपए है। इंडो स्पिरिट्स द्वारा 4.35 करोड़ रुपए के अतिरिक्त क्रेडिट नोट जारी किए गए। वहीं 1635 करोड़ रुपए का लाभ पेनोड रिकॉर्ड द्वारा अर्जित किया गया। इस फर्म ने साउथ ग्रुप के साथ एक सुपर कार्टेल बनाया और आगे 45.77 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया। उन्होंने कहा कि ईडी को पता चला है कि साउथ ग्रुप ने सरत रेड्डी से जुड़ी संस्थानों के खाते में 41.13 करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी डाली है। ये और कुछ नहीं बल्कि रिश्वत वसूल करने का एक अवैध तरीका था। जब पूछताछ की गई तो वित्त टीम ईडी को कोई संतोषजनक कारण बताने में विफल रही। जांच के बाद ईडी ने एक आरोप पत्र दायर किया। ईडी ने आरोप लगाया है कि पंजाब सरकार की मशीनरी के दुरुपयोग और महादेव लीकर से 2 फर्मों शिव एसोसिएट्स और दीवान स्पिरिट्स ने 8.02 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया। आरोपी अमित अरोड़ा ने दिनेश अरोड़ा के माध्यम से सिसोदिया को 2 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। अमल ढल द्वारा अतिरिक्त क्रेडिट नोट के माध्यम से दिए गए 4.9 करोड़ रुपए दिए गए थे। ईडी ने मामले की गहन जांच के बाद एक आरोप पत्र दायर किया। आपको बता दें, आज यानी 30 मई को हुई सुनवाई के तहत मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका हाई कोर्ट में खारिज कर दी गई है। जी हां, दिल्ली उच्च न्यायालय के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शराब नीति में हुए भ्रष्टाचार से संबंधित आरोप के मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने 11 मई को ही अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था। अब बताया जा रहा है कि सिसोदिया जमानत के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। जमानत याचिका खारिज करते हुए जस्टिस शर्मा ने कहा कि आबकारी नीति मामले में आरोप काफी गंभीर है। साउथ ग्रुप के इशारे पर उन्हें अनुचित लाभ देने के इरादे से आबकारी नीति बनाई गई थी। वही न्यायाधीश ने कहा, इस तरह का आचरण कदाचार की ओर इशारा करता है, जो वास्तव में एक लोक सेवक है और बहुत उच्च पद पर आसीन थे। वहीं जज ने उन्हें जमानत देने से इनकार करते हुए ये भी कहा कि सिसोदिया एक प्रभावशाली व्यक्ति होने के नाते गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।